जो आपके मिजाज में सॉफ्टनेस है, ये आज के मुआशरे में बड़ी नापैद हो गई है सुनीता। लोग किसी चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करते, अपने अंदर रखते नहीं हैं, और वो जवाब में कुछ ना कुछ कहना, इवन गालम गलोच के साथ कहना अब लाजम मलजूम हो गया है। आप कैसे देखती हैं अपने रवैये को और इस रवैये को? आप बचपन से ऐसी थी या आपने इसको? हाँ, वैसे तो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, और हर किसी का नेचर डिफरेंट होता है। किसी किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। थेरेपीज होती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, थेरेपीज एक और चीज ये भी है कि डोमेस्टिक इश्यूज बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, उसकी वो भी जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपकी, वो अगर आप घर वालों पे नहीं निकाल पा रहे तो आप बाहर जाके निकालते हैं। सैलरी लेट हो गई, सैलरी लेट हो गई, या सैलरी कम है, आपका गुजारा नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा, हमारे चेक्स लेट आ रहे हैं। तो वो जो है ना, वो डबल हो जाता है गुस्सा। तो आपको कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालना है। मुश्किल तो वक्त है, ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल, और ओवरऑल भी हम कभी भी, यानी कि आप जानती है, डेवलप्ड कंट्रीज में हमारा शुमार नहीं रहा। मैंने एक शेर कहा था इसके ऊपर कि खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, अर्ज़े वतन में जिंदगी दुश्वार थी बहुत। हमारे लोगों की जिंदगी मुश्किल है, मगर इस मुश्किल में हमें समझना चाहिए कि बाहर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप घर में आके, घर तो यानी कि पीस के लिए आप आते हैं, कम से कम उस उन मसाइल को घर में मुंतकिल ना करें। एक इसी तरह से घर में भी इलाज बात है, जब खातून खाना जो है, अगर कोई खातून देख रही है सब कुछ, तो बिजली नहीं, गैस नहीं, बच्चों के मसाइल हैं, उसको भी चाहिए कि भाई शोहर अगर आया है तो जो अपने मसाइल हैं वो उस तक मुंतकिल ना करें। बहुत अच्छे, जब बिजली नहीं, गैस नहीं, तो शोहर कहना मेरे को पैसे भी नहीं, उस तो बाद की बचता है उधर, फिर पीस नहीं रहता, फिर बंदे के एक एक पीस दुखता है सर। देखो असल में बात यह है कि यार मियां और बीवी ना दुख सुख के साथी होते हैं, तो दुख दोनों को दुख भी सहने हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे का सुख जो है उसको भी सर, जेड़े हालात चल रहे हैं ना आजकल, दुख दुख दे साथी। और दूसरे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ना खवातीन स्पेशली जो घर बैठी हैं, उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक तो आजकल बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन काम भी शुरू हो गया है, अपने आपको ना बिजी रखें। जब आप फारिग होते हैं ना तब ज्यादा मसला, हाँ बिल्कुल ठीक, तब ये आप फोन उठाते, डेविल्स वर्कशॉप हो जाती है, और आप इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं और फजूल के कमेंट्स, अपना गुस्सा हम पे निकालते हैं। अच्छा, अभी बात हुई है, आपने उसका जिक्र भी किया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, वो आपका निजी मामला है आपका और हसन का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब लोगों को आपके अकीदे की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और मुस्तकिल आपसे सवाल करते हैं, तो आज ये बताइए कि आप पे क्या बीतती है, आपको क्या कैसा लगता है? कभी कभार तो हंसी आती है बहुत, लेकिन कभी कभार ये दुख भी होता है, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं। जीने क्यों नहीं देते? आपकी मर्जी है, आप जैसे जीना चाहें। बस यही हमारे थोड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज है हमारे मुल्क में। देखिए ये एक सीरियस मसला है, जब बार बार आपसे इस किस्म का सवाल किया जाता है, बाज़ वक़्त कोई बात किधर की किधर निकल गई, को कट के कोई पीस जो है वो पूरी बात जो है वो नहीं आई सोशल मीडिया पे, तो बाज़ वक़्त उससे खतरात भी पैदा हो जाते हैं जिस किस्म के हालात हैं। तो मेरे ख्याल में हमें लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ ना थोड़ी नॉलेज की भी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सिर्फ बात करते हैं सियासत पे जी, या फिर मजहब पे, उसके अलावा तीसरा कोई टॉपिक उनके पास नहीं है। हाँ, तीसरा टॉपिक है शोबिज की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, समाज है, तारीख है, नफ्सियात है, फलसफा है, साइंस है, इस बारे में कोई बात नहीं, कायनात है, स्पेस है, इतने सब्जेक्ट्स हैं सुनीता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी एक बंदे ने कहा है तो उसकी सुन के वो तीसरे बंदे को भी वही बात कह देता है, अब वो ये नहीं वेरीफाई कर रहा कि उसने सही कहा है या उसने गलत कहा है। वेल सेड। अच्छा, बात भी पूरी नहीं करते कभी कभी ना, इशारों में ही समझा देते हैं, अगले ने भी नहीं समझ आती कि नहीं क्या वो ना हमें ना इन शॉर्ट मसाला लगाने की आदत है, मुझे ऐसा लगता है। गॉसिप ना, गॉसिप का बहुत शौक है। तो आप वैसे गॉसिप वॉसिप करती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ नहीं पता होता सेट पे क्या हो रहा है, दाएं बाएं?
मुझे तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा होता है दूसरे लोगों से पता चलता है, जब लोग नहीं बात कर रहे होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं मुझे तो नहीं पता। हाँ तो ऐसे ही तो पता लगता है। इसी को गॉसिप कहते हैं। किस जमाने में रह रही हो? मैं कहती हूँ भाई मैं अपने जमाने में रह रही हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। हाँ लेकिन इसी को तो गॉसिप कहते हैं। लेकिन फिर मैं आगे उस गॉसिप में हिस्सा नहीं लेती। अच्छा सुन लेती है, कोई दिलचस्पी नहीं होती आपको? नहीं, अब भाई अब कोई सुना रहा है तो अब मैं उसको बदतमीजी करके मैं उसको चुप कर रहा हूँ। बिल्कुल सुना रहा है सुन लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वही बात आके तीसरे बंदे को बताऊं कि यार वो उसने मुझे ये बताया था। ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है कि भाई मेकअप आर्टिस्ट आ जाए जो सुनाता है तो क्या हर्ज है? नहीं वो तो दिल लगा रहता है। हां नहीं सही बात है, क्या कहने अच्छी एंटरटेनमेंट है। ये बताइए कि हसन हुस्न परस्त थे? सुनीता मार्शल लग गई, कौन नहीं होता। कभी आपने महसूस किया किसी महफिल में हसन किसी को मुस्तकिल देखे जा रहा है, या ये कि आपने महसूस किया हो कि भाई कुछ गैर जरूरी तवज्जो दे रहे हैं और घर आके आपने कहा हो कि भाई इतनी भी क्या जरूरत थी? नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई थिंक मैं अपनी महसूस किया कभी नहीं, मैंने महसूस भी नहीं किया। महसूस नहीं किया है तो फनकार आदमी हसन। मैं अपने ही धुन में होती हूँ, मुझे नहीं पता कौन मुझे देख रहा है या हसन किसको देख रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ आज के बाद आप चौकस रहेंगे। चौकस रहना होता ना तो शुरू में ही रहती ना, अब इतने सालों के बाद माशाल्लाह 16 बल्कि होने वाले हैं। अब तो आपने छोड़ दिया है, जाओ जहाँ मर्जी जाओ। नहीं ऐसा भी नहीं छोड़ा। छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा वो वाला नहीं कि वो लौटा तो मेरे ही घर आया, वो वाला नहीं ऐसा भी नहीं है। अच्छा जो आपने कहा कि छोड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करती हैं आप? क्या समझती हैं सुनीता मार्शल क्या समझती है कि कितनी ढील देनी चाहिए? भाई मुझे ऐसा लगता है कि औरत की जो इंस्टिंक्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा हाँ उसको पता चल जाता है अगर कोई गड़बड़ है। कभी कभी कहीं मर्द भी इरादों का बड़ा मजबूत होता है। कभी आपकी इंस्टिंक्ट जो है उसने जनाब जैसे कहते हैं ना कि बीप बजाई हो? हाँ शुरू में एक दो दफा हुआ ऐसा। अच्छा हाँ लेकिन हाँ, मैंने कन्फ्रंट किया और ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हसन ने क्या कहा आपसे? पहरी पे आ गए खुदा ना वास्ता। नहीं मुझे ऐसा कुछ सीरियस था नहीं ना, तो वो बात ज्यादा आगे बढ़ी नहीं, वो वहीं खत्म हो। वैसे तो आपके सारे कॉमन दोस्त हैं, सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये कि हसन अगर अपने अलग से दोस्तों की तरफ जाए और लेट हो जाए तो क्या आपका रवैया होता है? हसन पहले जो है वो बहुत ज्यादा जाता था, तो उस वक्त मैं उसको बोलती थी कि भाई हफ्ते में 2 दिन मेरे, बाकी दिन चलो तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ। लेकिन बाकी दिन थोड़ी देर के लिए चले जाओ? नहीं नहीं थोड़ा देर मतलब 2-3 घंटे आराम से जाओ। हाँ हाँ हसन वैसे भी फिर खुद भी अगर बहुत देर हो जाती थी तो मैं एक मैसेज करती थी भाई बहुत देर होगी अब घर आ जाओ। अच्छा अब उलट हो गया, अब हसन को मैं कहती हूँ भाई कितने दिन हो गए तुम गए नहीं अपने दोस्तों के पास, जाओ ना। ये बात मैं यही कह रहा था कि 15 साल के बाद ये क्यों हो जाता है, भागने क्यों लगते हैं लोग एक दूसरे से? मुझे लगता है कि एक सर्टेन टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए, लेकिन उसमें आपको एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। कि जो औरतें हैं वो अपनी दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं, वक्त गुजारें ताकि वो भी मेंटली स्टेबल रहें, उसी तरह शौहर जो है वो भी अपने दोस्तों के साथ, दूसरे रिश्ते भी हैं वो भी सब जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, चले दोस्त नहीं अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं, और दूसरा बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ की नहीं है, बाप की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर पूरा हफ्ता आपकी बेगम जो है वो बच्चों को संभाल रही है, तो हफ्ते में एक दिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप बच्चों को संभालें। तो हसन नैपी भी चेंज कर देता है बच्चों की? नहीं कर देता था कभी उसने? ये नहीं कहा कि नहीं ये मेरा काम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं नहीं हूँ मैं बिजी हूँ तो बिल्कुल हसन कर देता। और मैं हमेशा बिजी रहती थी हमेशा वही। और सबसे अच्छी बात ये थी कि रात में जो डिकार दिलाना होता था बच्चों को वो हसन करता था।